ऐसा आपने सुना हो ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो लगता है कि ना ये शायद शिव जी के लिए, पर वास्तव में हमारे आचार्य बता रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला गया। सत्यम, परम सत्य कौन है? परम सत्य धीमही कृष्ण। अच्छा सत्यम शिवम, कृपालु कौन है? परम कृपालु, परम दयालु भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए शिवम। सुंदरम, श्याम सुंदर कृष्ण। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है वास्तव में शिवजी के लिए नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम इज फॉर कृष्ण। इसलिए कहते हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। कर दिया उसको। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शिवजी के बारे में नहीं जानते वास्तव में, जो उनको बताते हैं well, Lord Shiva is nothingness. I am slave of Lord Shiva and I am slave of nothingness. वाह क्या बात है। But Lord Shiva is not nothingness. ये वास्तव में उनका अपमान है शिवजी का, उनको nothingness बताना कि well, he is just nothingness. शिवलिंग की पूजा होती है क्यों? बोले ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा वहां 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले, कुछ जानते नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते इस बात को। शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप, शिव का कोई रूप नहीं है। जहां वाणी और मन प्रवेश नहीं कर पाता, छू नहीं पाते, वही तत्व है शिव तत्व, जिनका शरीर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिनका और छोर नहीं है, ब्रह्मांड व्याप्त दिया। वैसे शिव तत्व को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तो इसलिए शून्यता में, शून्य में चले जाना शिव के साथ हो जाना है। तो शिव जो शिव तत्व है, तो ये जीव तत्व जैसा नहीं है, ये भगवत तत्व भी नहीं है और ये जीव तत्व भी नहीं है, ये बीच में तत्व है वास्तव में, ये बीच का तत्व है। तो इसलिए ये जो तत्व है ये माया के परे है, वैसे तो ये वाला तत्व ये माया के परे, ये भगवान इज वन एंड एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म द्विदासे, देयर इज वन ब्रह्म एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तुर, सो देयर इज वन रुद्र, इट मींस दैट कृष्ण एंड शिव आर वन। Okay, there are no two gods. There is one God. There are two different forms of one God. God are non-different from each other. It would be a transgression to say one form is bigger than the other. देखो सब आपस में एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं, राम जी की, राम जी की पूजा करते हैं, सब आपस में एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि इस तरह से आपस में पूजा करें तो आपस में अब हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, बढ़िया हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। राम जी जो है शिव जी की पूजा इसलिए कर रहे हैं, ये संदेश देने के लिए कि मैं भी भक्तों की हेल्प, उनका आशीर्वाद देता हूं भगवान, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है, भक्त भक्त है। उस प्रकार से शिव जी इनकी आराधना कर रहे हैं, ये शिव जी की आराधना कर रहे हैं। भले ही दूसरी आराधना करें, पूजा अर्चन करें, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है, भक्त भक्त है। रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी का जो हृदय है उसमें भूत भावन भोले बाबा विराजमान रहते हैं, और शिव जी का जो हृदय है उसमें राम जी विराजमान रहते हैं, और दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। राम जी से पूछो कि कौन बड़ा, तो राम जी बोले शंकर जी, और शंकर जी से पूछो कौन बड़ा, तो बोले राम जी। अब आप देखना कितनी विचित्र महिमा, यही तो संसार में, इसी को तो कहते हैं सामंजस्य। जिसके जीवन में सामंजस्य होता है वो पास होता है। राम जी लंका जा रहे तो किसकी स्थापना कर रहे हैं, रामेश्वरम में किसकी स्थापना कर रहे हैं, शिव जी की, शंकर जी की, हाजी या ना जी, यस नो यस। राम जी भोले बाबा की स्थापना कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें राम जी के, शंकर जी के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। लो क्या बात है, अद्भुत बात है ये तो। लेकिन शंकर जी भी पूजा कर रहे हैं किसकी, राम जी। दूध का जो विकार है दही है ना, दूध का जो विकार है दही है, तो दूध इज कृष्णा, जो दही है लॉर्ड शिवा। लेकिन दूध से दही आता है, लेकिन दही से दूध नहीं आता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है।
ऐसा तो भगवान से आ रहे हैं शिवजी, पर शिवजी से भगवान नहीं आते। क्योंकि कोई अंतर तो है नहीं, भगवान विष्णु जो है ये सबके ही अंग से उत्पन्न हुए, क्या बताया गया कि हर और हर कछु अंतर ना अंतर नहीं है। जैसे राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं नमेश, उसी प्रकार से हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। तो बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो। होता है उसमें मनोरंजन तो है, लेकिन अब उसमें महादेव का नाम आ जाता है तो ये समझ में नहीं आता कि ये धार्मिक। देखिए इस वक्त जितना अपमान दुर्भाग्यवश महादेव का शिव का कर रहे हैं उससे ज्यादा किसी का नहीं। शिव को खिलवाड़ बना लिया बिल्कुल, उनके नाम पर जो बोलना है बोलो, उनके जैसे जो कुछ भी कहना है कहते रहो, कि उनके नाम पर यूं ही अपनी कुछ बात फैला दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। शिव क्या है, शिवत्व तो क्या है, दूर दूर तक कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं, कुछ नहीं। और ये बहुत बहुत बुरे लक्षण है, ये लक्षण आपदा के हैं, इससे जबरदस्त संकट आना है, आ गया है। क्योंकि जो सबसे ऊंचा है आपने अगर उसी के नाम के साथ खिलवाड़ कर लिया तो अब क्या बचा आपके लिए। जब धर्म के नाम पर इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि सब कुछ खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। शिव का कुछ पता नहीं, शिवत्व से प्रेम नहीं, और की इतनी बातें पागल बना रहे हो किसको। बहुत दुख होता है शिव के नाम पे, कृष्ण के नाम पे जो भी किया जा रहा है वो सब देख करके। गीता ना पढ़ी है इन्होंने, ना इनको समझ में आती है, ना पढ़ना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। हाँ, कृष्ण के नाम पे इधर उधर की व्यर्थ कहानियां उड़ाते रहते हैं। इनसे पूछो रिभु गीता पढ़ी, नहीं। शिव गीता पढ़ी, नहीं। अवधूत गीता पढ़ी, नहीं। तुम्हें शिव से अगर वाकई प्रेम होता तो तुमने कैसे हो सकता है कि रिभु गीता न पढ़ी होती। और जो गुरु लोग घूम रहे हैं शिव की ज्यादा बात करते हुए, इनके मुंह से तुम कभी नहीं नाम सुनोगे, न रिभु का, न दत्तात्रेय का, किसी का नाम नहीं सुनोगे, क्योंकि वो नाम ही इनके लिए खतरा है। अगर किसी ने रिभु गीता पढ़ ली तो ये शिव के बारे में जो अफवाहें फैलाते हैं और अपना धंधा चलाते हैं, धंधा चौपट हो जाएगा। अगर कोई वाकई श्रीमद् भगवद गीता समझने लग गया
तो कृष्ण के नाम पर जितनी संस्थाएं चल रही हैं तुरंत बंद हो जाएंगी। ये सब हमेशा से हो रहा था, लेकिन अब इस समय में जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिएशन हुआ है ना, कि कोई भी क्रिएटर हो सकता है, और जो सोशल मीडिया की यकायक रीच बढ़ी है उसने स्थिति बहुत भयानक कर दी है। अब बात यह है कि कोई भी आकर के क्रिएटर है, शिव के नाम पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, और जितनी निचले तल की बात होती है उतने ज्यादा लोगों को वो आकर्षित करती है। असल में आदमी की जो चेतना है ना, उसका जो उसका तल होता है वो एक पिरामिड जैसा होता है, ऐसे समझ रहे हो, नीचे चौड़ा, तो एक पिरामिड में सबसे ज्यादा लोग कहां पर होते हैं, नीचे। तो आपका जो कंटेंट है, आपकी जो बात है, वो जितनी घटिया होगी उतनी ज्यादा पॉपुलर होगी। शिवत्व की आपने असली बात कह दी तो बहुत ज्यादा लोग सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बात खतरनाक होती है। हम जिस तरीके से जी रहे हैं, जैसे हमारे दिमाग हैं, हमारी व्यवस्थाएं, हमारे रिश्ते हैं, अगर वाकई असली शिवत्व में समझ में आ गया तो हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। हम बदलना चाहते नहीं तो हम शिव के नाम पर झूठी बातें फैलाते हैं। ये शिव का अपमान है, और शिव का अपमान तो कोई क्या ही करेगा। हम अपने ऊपर दुर्गति और नर का आमंत्रित कर रहे हैं।